मुंबई से, जहां पर घरेलू शेयर बाजार में आज मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 150 अंकों से ज्यादा कमजोर हुआ है, वहीं निफ्टी 18,350 के नीचे बंद हुआ। आज के कारोबार में आईटी और मेटल शेयरों में तेजी देखने को मिली और निफ्टी पर ये इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत हुए। वहीं ऑटो और रियल्टी शेयरों में भी तेजी रही और आज बैंक और फाइनेंशियल इंडेक्स साल यहां लाल निशान पर बंद हुआ और फिलहाल सेंसेक्स में 171 अंकों की गिरावट रही और यह 61,624 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 21 अंक टूटकर 18,329 के लेवल पर बंद हुआ। हैवी वेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। हिंडाल्को, अपोलो अस्पताल, टाटा मोटर्स, ग्रसिम पावर ग्रिड, कोटक बैंक इंडेक्स बैंक और टाटा स्टील समेत 26 शेयर निफ्टी के टॉप गेनर रही। वहीं डॉक्टर रेड्डी, कोल इंडिया और आईटीसी हिंदुस्तान, यूनिलीवर, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, नेशनल इंडिया, ओएनजीसी, टाइटन समेत 24 शेयर निफ्टी के लूजर्स रहे।